देख सकते हैं इधर बहुत सारा खुखड़ी है, इधर पूरा घास में केवल खुखड़ी भरा हुआ है। हरी ओम गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो मेरा नाम है रोशन और आपके प्यारे ब्लॉग चैनल का नाम है ब्लॉग रोशन महतो। तो आप सभी का स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। तो अभी देख सकते हैं मैं छत के ऊपर बैठा हूँ और अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो अभी मैं वीडियो अपलोड करने के बाद अभी मैं थोड़ा सा घूमने जाऊँगा, तो चलिए वीडियो अपलोड करते हैं, उसके बाद अभी घूमने जाते हैं। तो दोस्तों अभी वीडियो अपलोड हो गया है, तो चलिए अब हम थोड़ा चलते हैं। तो अभी हम खेत की तरफ जा रहे हैं, उधर छोटा सा तालाब है, तो चलिए अपना देसी निंजा लेकर जाते हैं खेत की तरफ। तो अभी मैं देसी निंजा पर बैठ गया हूँ, तो चलते हैं खेत की तरफ। तो दोस्तों अभी मैं खेत तरफ पहुँच गया हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे गांव में एक छोटा सा एक तालाब है, बहुत ही सुंदर सा, तो चलिए मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ। साइकिल को हम यहाँ खड़ा कर देते हैं और चलते हैं। और अभी बरसात का दिन है, तो चारों तरफ अभी घास उग गया है। तो देख सकते हैं यही हमारा क्रिकेट पिच है, हम यहीं पर क्रिकेट खेलते थे। अभी यहाँ पर बरसात के दिन में पूरा घास उग गया, तो अभी यहाँ कोई क्रिकेट नहीं खेलता है। तो फिर से गर्मी का दिन आएगा तो फिर हम यहाँ पर क्रिकेट खेलेंगे, तो उसका भी ब्लॉग मैं बनाकर डालूंगा। तो चलिए फिलहाल अभी हम चलते हैं अपने गांव के तालाब की तरफ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक पहले घर था, वो पानी आने की वजह से टूट गया, तो इसी के ऊपर से हमें पार होकर जाना पड़ेगा। दोस्तों देख सकते हैं चारों तरफ पूरा खेत पर वाइट वाइट काशी फूल फरा हुआ है, हम इसे काशी फूल कहते हैं। आपके गांव के तरफ इसे क्या कहते हैं आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। तो वाइट वाइट फूल की वजह से इस खेत का नज़ारा कितना अच्छा दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों चप्पल को हम खोल लेते हैं और हाथ में पकड़ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, क्योंकि इधर पूरा पानी है वरना चप्पल घुस जाएगा। फाइनली दोस्तों हमने सारा पानी पार कर लिया है, तो चलिए अब चप्पल पहनते हैं, उसके बाद अब चलते हैं। और देख सकते हैं अब हम तालाब के पास पहुँच गए हैं, तो चलिए मैं आपको जाकर दिखाता हूँ। पूरा अभी तालाब पर पानी भर गया है, इस साल थोड़ा कम भरा है, लेकिन इससे पहले साल पर और भी ज़्यादा पानी भरा हुआ था इस तालाब पर। और ये देख सकते हैं तालाब के चारों तरफ ये काशी फूल भरा हुआ है। और दोस्तों अभी मैं यहाँ पर आया था तालाब के सामने, और देख सकते अभी मुझे यहाँ पर खुखड़ी मिला है, छोटा छोटा ये बाला खुखड़ी देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा वाइट वाइट ये बाला खुखड़ी उगा हुआ है, इधर भी बहुत सारा है और इधर और भी है। तो चलिए ये सबको उखाड़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इधर बहुत सारा खुखड़ी है, इधर पूरा घास में केवल खुखड़ी ही भरा हुआ है, ये देख सकते हैं। हमें पता नहीं था पहले से, वरना हम सुबह ही आकर ले जाते, पूरा एकदम गुच्छा है खुखड़ी का। और इधर देख सकते हैं इधर जिधर देखिए उधर केवल यही खुखड़ी दिख रहा है, इधर चारों तरफ वही खुखड़ी भरा हुआ है। तो चलिए देखते हैं और खोजते हैं खुखड़ी। तो दोस्तों अभी हम चलिए सारा खुखड़ी को यहाँ से ले जाते हैं अपना घर, देखते हैं कितना होता है। तो चलिए दोस्तों सारा खुखड़ी को यहाँ से ले जाते हैं और एक जगह जमा करते हैं और देखते हैं कितना सारा होता है हमारे पास खुखड़ी, इधर भी है पूरा। तो अभी हम इसको एक प्लास्टिक पर जमा करते हैं, इस जगह सारा खुखड़ी को चलिए जमा कर लेते हैं उखाड़ कर। ये ज़्यादा देख सकते हैं ये ज़्यादा बड़ा खुखड़ी नहीं है, ये छोटा छोटा है, बाला खुखड़ी इसे कहते हैं। देख सकते हैं हमें यहाँ पर बहुत सारा खुखड़ी मिल गया है। और दोस्तों यही है हमारा छोटा सा हमारे गांव का तालाब। तो आपको ये तालाब कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों देख सकते हैं तालाब के बीच पर बहुत सारे पक्षी हैं जो तैर रहे हैं और मछली पकड़ कर खा रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैंने सारा खुखड़ी को प्लास्टिक पर पैक कर लिया है, तो चलिए अभी मैं घर जा रहा हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।